हेलो एवरीवन, आई एम प्रशांत श्रीवास्तव। आई एम टीचर ऑफ सनबीम कॉन्वेंट स्कूल। टुडे आई एक्सप्लेन लेशन 4 ऑफ क्लास 5। आवर लेशन नेम इज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर हैज गिफ्टेड अस विथ मेनी रिसोर्सेज। नेचर यानी प्रकृति जो है हमको अनेकों रिसोर्स, अनेकों संसाधन प्रोवाइड की है। दिस कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, इसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। वाटर, लैंड, सनलाइट, फॉरेस्ट, एनिमल, मिनरल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब हमारे प्रकृति के संसाधन हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में भी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वॉट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज? Renewable resources are those that are inexhaustible and can be used again and again. Renewable resources को हम बार बार use कर सकते हैं। Water, sun, wind are some example of renewable resources. Non-renewable resources. Non-renewable resources are inexhaustible and can be replaced. ये resources जो है, ये इसको बार बार replace नहीं कर सकता, इसको again and again use नहीं कर सकता. Example include iron and uranium. इसमें iron और uranium इसका example है. They are inexhaustible. Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are also treated as non-renewable resources. Fossil fuels जैसे कि कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुआ, ये सब non-renewable resources के रूप में use किया जाता है. Use of natural resources. Our next topic is natural resources. Use of natural resources. The development and growth of industries depends on sources of energy or fuel available in nature. हमारे industry का growth और development ये सब depend करता है कि हमारे पास प्रकृति में किस type का fuel है या energy का स्रोत है. We need a large quantity of fuel to power all machine. हमको सारे मशीनों के लिए large, बड़े मात्रा में हमको fuel की आवश्यकता होती है उसके power के लिए. And gadgets in our modern world. Some of the natural resources are used directly like air and water. कुछ natural resources को use किया जाता है direct रूप से, जैसे कि हवा और पानी है. River water flowing from mountains. River water हमारे mountain से flowing करते हैं, बहते हैं, is used for generating electricity. इसका use हम बिजली बनाने में करते हैं. Minerals are separated from their ores before they can be used by us. Minerals जो हैं वो उनके कच्चे पदार्थों से अलग किया जाता है before they can be used by us, हमारे use करने से पहले. Petroleum that is taken out from the earth. पेट्रोलियम को हम जमीन के अंदर से प्राप्त करते हैं. इज इन क्रूड फॉर्म, इट इज रिफाइंड. पेट्रोलियम को जमीन के अंदर से, समुन्द्र में से निकाला जाता है, इसके बाद इसको इट इज रिफाइंड, इसको रिफाइंड किया जाता है एंड टर्न इनटू पेट्रोल, और इसके बाद इसको पेट्रोल, डीजल या किरोसिन के रूप में इसका परिवर्तित किया जाता है. These products are then used.
और ये सब करने के बाद ये सब प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। अल्टरनेटिव रिसोर्सेज द इवर इंक्रीजिंग पॉल्यूशन हैज इंक्रीज द डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। पॉल्यूशन हैज इंक्रीज द डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ाता है हमारे पॉल्यूशन को। सो इसलिए वी हैव टू लुक फॉर अनटैप्ड न्यू रिसोर्सेज। इसलिए हम अब जो है रिसोर्सेज के नए रूपों को यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल के तौर पे सन जो है हमारे एनर्जी का ग्रेट रिसोर्सेज है। सोलर एनर्जी विल ऑलवेज बी अवेलेबल टू अस। सोलर एनर्जी हमारे लिए हमेशा अवेलेबल है। सोलर एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर हीटिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी यूज किया जाता है हीटिंग एंड जनरेटिंग, गर्म करने के लिए और बिजली उत्पन्न करने के लिए हम सोलर एनर्जी को यूज करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली सेंसिबली एंड वाइजली। इसका मतलब है कि हमको नेचुरल रिसोर्सेज को केयरफुली और काफी बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना चाहिए। कीप सम ऑफ द मेजर, कुछ ऐसे मापदंड है टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, इन्वायरमेंट को क्लीन रखना एंड ग्रीन बाय प्लांटिंग ट्री, और प्लांटिंग ट्री को हमेशा ग्रीन रखना। थ्रो बायोडिग्रेबल एंड नॉन बायोडिग्रेबल वेस्टेज सेपरेटली। बायोडिग्रेबल और नॉन बायोडिग्रेबल बायोडिग्रेबल वेस्टेज को अलग अलग फेंकना। डोंट वेस्ट वाटर, पानी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। प्रोटेक्ट ट्री, पेड़ों को प्रोटेक्ट करना। यूज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी का अल्टरनेटिव सोर्स का इस्तेमाल करना, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी। यूज सीएनजी इन योर व्हीकल्स, अपने अपने गाड़ियों में सीएनजी गैस का यूज करना। प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल, हमेशा हम हमारे चारों तरफ जो प्लांट और एनिमल हैं उनको हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। थैंक यू।